मिशन बी1 पंजाब पुलिस के लिए आज हम सीआरपीसी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले इसको सीख लेते हैं, बाद में इसको ट्रिक से याद करेंगे। पूरा सीआरपीसी आपके माइंड में फिट हो जाएगा, बस फोकस यहाँ पे रखना। देखिए आपके सिलेबस के अंदर सीआरपीसी के अंदर जो पहला सेक्शन बताया वो बताया जी सेक्शन 2। सेक्शन 2 कुछ डेफिनेशन के बारे में बताता है। जो ए नंबर पे जो डेफिनेशन बताई है वो बताइए जी बेलेबल, ये आपके सिलेबस के अंदर। देखिए भाई, बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं, यानी जमानती अपराध वो अपराध होते हैं अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे हुए हैं जो जमानती अपराध है, तो वो व्यक्ति थाने से ही जमानत लेने का हकदार होता है, उसको कोर्ट में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। यानी अगर किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है, फिर उसके ऊपर कोई ऐसे आरोप लगे हैं जो जमानती अपराध हैं, तो वो थाने से ही जमानत ले सकता है, उसको कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो डेफिनेशन बताइए वो बताइए सी नंबर पे, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस के पास में पावर होती है बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करने की। किसी को मतलब अगर किसी ने पुलिस के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कर रहा है, या फिर पुलिस को कोई जानकारी मिलेगी जिसने मेरे साथ में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तब पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जैसे दहेज के मामले होते हैं, अब आपके जब आप आयु बन जाओगे आपके पास में दहेज के मैटर आएंगे, तब दहेज का जो मैटर होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो जिसके खिलाफ में दहेज का मैटर है, जैसे ही आप उसके पास में कॉल करोगे, सामने वाला बंदा दौड़ा चलाएगा, उसको पता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर मैं तो पुलिस मेरे घर पे आ जाएगी मेरे को उठाने के लिए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास में पावर होती है बिना वारंट गिरफ्तार करने की। अब ये कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा मैटर बेलेबल होता है, कौन सा मैटर नॉन बेलेबल होता है, कौन सा मैटर कॉग्निजेबल होता है, कौन सा मैटर नॉन कॉग्निजेबल होता है? तो अगर ये चीज आपको 10 सेकंड में सीखनी है ना, तब आप इस करंट ट्यूब को डाउनलोड कर लो। ये एंड्रॉइड पे भी है और आपके आईफोन के ऊपर भी अवेलेबल है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11वीं सेकंड नहीं लगने दूंगा, 10 सेकंड में याद करवा दूंगा कि कौन सा सेक्शन बेलेबल होता है और कौन सा सेक्शन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होता है। देखिए इसके बाद में जो आपके सिलेबस के अंदर जो डेफिनेशन है वो जी नंबर पे है। जी नंबर पे बता दिया जी इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी क्या होती है? देखिए, कोर्ट के अंदर किसी चीज के असली और नकली होने का पता लगाने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है ना, उसको इंक्वायरी बोलते हैं। जैसे कोर्ट के अंदर किसी ने कोई फोटो दे दिया, कोर्ट के अंदर किसी ने कोई ऐसी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दे दी, अब वो असली है फिर नकली है कैसे पता चलेगा? तो अब उस असली और नकली की जो पहचान करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाएगा ना, उसको हम बोलते हैं जी इंक्वायरी, कि कोर्ट इंक्वायरी कर रही है कि चीज असली है या फिर नकली है। ठीक है जी, इसके बाद आ गया आपका एच। एच पे आता आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब सच का पता लगाने के लिए जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं उसको पूछताछ बोलते हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। असली और नकली की पहचान के लिए जो प्रोसेस बनाया जाता है उसको इंक्वायरी बोलते हैं, और सच का पता लगाने के लिए जो सबूत कलेक्ट किए जाते हैं, जो पूछताछ की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है आपके सिलेबस में एल, यानी कि सेक्शन 2 के अंदर कुछ डेफिनेशन बताइए जो ए नंबर पे है, सी पे है, जी पे, एच पे, फिर एल नंबर वाली है। एल पे आता है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस के पास में पावर नहीं होती है गिरफ्तार करने की, लेकिन अगर कोर्ट उसको परमिशन देती है, कोर्ट उसको वारंट देती है, तब वो क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जाके डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है, पुलिस को क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की, यानी कि कोर्ट से वारंट लेना पड़ेगा, गिरफ्तारी वारंट, और गिरफ्तारी वारंट आने के बाद ही पुलिस क्या कर सकती है? नॉन कॉग्निजेबल में गिरफ्तार कर सकती है। फिर वही बात आ गई कि अब कैसे पता चलेगा कौन सा मैटर नॉन कॉग्निजेबल होता है, कौन सा कॉग्निजेबल होता है? तो अगर अभी तक भी आपने डाउनलोड नहीं किया ना, तो करंट ट्यूब को आप डाउनलोड कर लो फटाफट से। मैं कह रहा हूं 11वीं सेकंड नहीं लगने दूंगा, 10 सेकंड में सब कुछ सिखा दूंगा कि कौन सा मैटर नॉन कॉग्निजेबल होता है, कौन सा कॉग्निजेबल होता है। देखिए भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आता है जी आपका एन। एन एन से बनता है आपका ऑफेंस। एन से बनता है ऑफेंस, यानी कि एन नंबर पे जो डेफिनेशन बताइए वो बताइए ऑफेंस की डेफिनेशन। देखिए ऑफेंस क्या होता है? हर वो काम ऑफेंस है, हर वो काम अपराध है जिसकी सजा कहीं ना कहीं बता रखी है, चाहे किसी की सजा पैसों में बता रखी हो, चाहे किसी की जेल की सजा बता रखी हो, या फिर किसी की प्रॉपर्टी जब्त करने की सजा बता रखी हो। हर वो काम अपराध है, हर वो काम ऑफेंस है जिसकी सजा आईपीसी के अंदर कहीं ना कहीं बता ही बता रखी है। जैसे देखिए 2005 से पहले अगर कोई किसी लड़की को, अपनी घर की महिलाओं को, बहन है, बेटी है, या फिर पत्नी है, अगर उसको तंग करता, माँ है, अगर उसको तंग करता था, खाना नहीं देता, तब वो कुछ नहीं कर सकती, और वो उसने भी कोई क्राइम नहीं किया। लेकिन 2005 के अंदर एक कानून बना दिया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और लिख दिया कि अगर कोई घर की महिलाओं को तंग करेगा तब उसको फिर सजा दी जाएगी। अब आप बताइए 2005 के से पहले वो काम करना अपराध नहीं होता था, लेकिन जैसे ही कानून बना वो क्या बन गया? वो काम करना अपराध बन गया। तो ऑफेंस जिसकी सजा कहीं ना कहीं बता रखी है, अगर कोई किसी को थप्पड़ मार देगा तो उसकी सजा बता रखी है 323 के अंदर, अगर कोई किसी को गाली दे देगा, कोई लड़की को गाली दे देगा, तो 509 लगवा दी, वो भी क्या है? वो भी क्राइम है, वो भी क्या है? ऑफेंस है। आज के टाइम पे अगर हम किसी को तू कह के बोलते हैं, भाई तू पानी लेके आ, भाई तू एक काम कर, तू कहना आज के टाइम पे कोई
अपराध नहीं है तो अपराध नहीं है, लेकिन मान के चलो कल को अगर सरकार कह दे कि अगर कोई किसी को तू कह के बोलेगा तो उसको एक महीने की जेल दी जाएगी, तो वो क्या बन गया, वो अपराध बन गया। तो हर वो काम अपराध है जिसकी सजा कहीं ना कहीं बता रखी है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है जी आपका ओ, एन के बाद में ओ, ओ से बनता थाने का इंचार्ज यानी कि एस एच ओ, ठीक है, एस एच ओ यानी कि एक थाना होता है और उस थाने का अपना एक एरिया होता है और उस थाने का जो इंचार्ज होगा ना उसको हम बोलते हैं थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज बोल देते हैं, ठीक है जी, एस एच ओ बोल देते हैं। तो एक जो थाने का जो इंचार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, थाना इंचार्ज बोल देंगे या फिर एस एच ओ सब बोल देंगे, ठीक है जी। ओ के बाद आता है आपका एस, एस से बनता है कि थाना हम किसको कहेंगे, थाना हम किसको कहेंगे, पुलिस स्टेशन हम किसको कहेंगे, एस पे बनता है पुलिस स्टेशन, एस पे यानी कि ए नंबर पे है, ए पे जो है वो बता दिया अवेलेबल, सी पे बता दिया कॉग्निजेबल, जी पे इंक्वायरी, एच पे इन्वेस्टिगेशन, एल पे नॉन कॉग्निजेबल और एन पे ऑफेंस, और ओ से बना दिया इन्होंने थाने का इंचार्ज। अब एस नंबर पे जो डेफिनेशन बताई वो बताई जी पुलिस स्टेशन की, मैं पीएस लिख रहा हूँ, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन किसको कहेंगे, देखिए हर उस बिल्डिंग को पुलिस स्टेशन कहेंगे जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने उस बिल्डिंग का नाम पुलिस स्टेशन रख रखा है। अगर हमने किसी बिल्डिंग का नाम गुरुद्वारा रख रखा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुरुद्वारा बोलेंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये जो बिल्डिंग है इसका नाम जेल है तब हम उसको जेल बोलेंगे, और अगर उसने कह दिया स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग का नाम हॉस्पिटल है तो हम उसको हॉस्पिटल बोलेंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस बिल्डिंग का नाम पुलिस स्टेशन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको भी हम पुलिस स्टेशन बोलेंगे। और पुलिस स्टेशन उसको भी बोला जाएगा जो पुलिस चौकी होती है उसको भी क्या बोला जाता है, पुलिस स्टेशन बोला जाता है। और हर पुलिस स्टेशन का और हर पुलिस चौकी का अपना एक एरिया होता है और उस एरिया के अंदर उस पुलिस स्टेशन का या फिर पुलिस चौकी का जो इंचार्ज होता है उसके अंदर उसके पास में एक अच्छी खासी पावर होती है, भरपूर पावर होती है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अब मैं आपको ये ट्रिक से याद करवा देता हूं, देखिए कुछ सेकंड में याद हो जाएगा। देखिए भाई और एक चीज और, अगर आपको कोई भी मेरे से इंक्वायरी लेनी है ये मेरा पर्सनल नंबर है 8801106666, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं भाई, ठीक है, व्हाट्सअप करके आप कोई भी बात मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप B1 कोर्स के लिए कोई भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो इससे उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आप मेरे से ले सकते हैं। देखिए अब हम इसको ट्रिक से याद करते हैं, देखिए अगर आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हो तो सामने वाला सबसे पहला काम क्या करेगा, जमानत दे दो जी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ जमानत दे दो जी, सबसे पहले आपसे जमानत मांगेगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो आती है बेलेबल ऑफेंस। अगर कोई भी आप किसी को गिरफ्तार करोगे सबसे पहले क्या गिड़गिड़ाएगा, जमानत दे दो जी, तो सबसे पहले क्या मांगेगा, जमानत मांगेगा। तो ए नंबर पे जमानत हो गई, सी नंबर पे सी से सी मतलब सी पे आ जाएगा आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीआरपीसी सेक्शन 2 के सी के अंदर किसकी डेफिनेशन बताई, तो सी से क्या बन जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस बना जाएगा। और पहले नंबर पे किसकी डेफिनेशन बताई, बेलेबल ऑफेंस की बताई गई है, GIHI ऐसे याद करना है, देखो GIHI ये लो ऐसे बना देते हैं, ये लो GIHI जी से इंक्वायरी, एच से इन्वेस्टिगेशन, पहले नंबर पे जमानत आ जाएगी, सी से कॉग्निजेबल बन जाएगा, GIHI जी से इंक्वायरी बन जाएगी, एच से इन्वेस्टिगेशन बन जाएगा, LNC मतलब L नंबर पे आएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, C से कॉग्निजेबल ऑफेंस, L से आ जाएगा LNC नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि L नंबर पे क्या आएगा, LNC नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। N से बनता है नो ऑफेंस, N से बनता है नो यानी कि N नंबर पे आएगा ऑफेंस, और आपको बोलना है नो ऑफेंस N से ओ, एन और ओ क्या बन जाते हैं, नो बन जाते हैं, यानी कि ऑफेंस नहीं करना चाहिए, नो ऑफेंस। ओ से बनता है ओ एस एच ओ हम ऐसे बोल देते हैं ना, ओ भाई साहब, ओ बहन जी, तो ओ एस एच ओ ऐसे अपने सीनियर को कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम ये ट्रिक के लिए याद करें ओ एस एच ओ। तो पहले नंबर पे जमानत आ जाएगा, सी से कॉग्निजेबल बन जाएगा, GIHI जी से इंक्वायरी, एच से इन्वेस्टिगेशन, LNC एल पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया, नो ऑफेंस, ओ एस एच ओ। और एस पे क्या बनता है, एस पे बनता है हमारा पुलिस स्टेशन, यानी कि एसपी साहब, एस से बन गया पुलिस स्टेशन। तो ये था आपका सीआरपीसी का पहला सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन 2, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशन बताई गई है। और अगर आप इसी कदर मेरे से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, B1 का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तब आप 88021
इस नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हो और पूरा कोर्स आपको करंट यू पे मिल जाएगा। इसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ये आईफोन पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी आपको मेरे से इंक्वायरी लेनी है बी1 एग्जाम से रिलेटेड, पंजाब पुलिस बी1 एग्जाम से रिलेटेड, तब आप इस नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, फिर मैसेज आप मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू भाई।